अस्सलाम वालेकुम। आज हम नानी अम्मा स्टाइल का हम मछली का सालन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 किलो मछली ले ली है। मछली जो है आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से सर जो होते हैं मछली के वो भी बनवाए हैं और बोनलेस पीस भी बिस्किट के बनवा लिए हैं। 1 किलो मछली है। इसके साथ इसके 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में मछली में मसाला लगा जाएगा, तो पहले हम मसाला लगा लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 बड़े चम्मच इमली का पेस्ट है वो ले लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 बड़ा चम्मच वो डालना है। मसाले जात में 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/4 टीस्पून नमक है, नमक आप हस्बे जायका यूज़ कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर है। ये तमाम मसाले जात हाफ क्वांटिटी में हैं। हाफ जो है हम इसकी करी तैयार होगी उसमें डालेंगे, तो आप अपने हिसाब से कमोपेश कर सकते हैं। इसमें बस हमने मछली में ये लगा के, और हमने ज़्यादा देर नहीं रखना है, इतनी देर जितनी देर रखना है इतनी देर में हमने करी तैयार कर लेनी है, बस इतनी देर हमने इसको रखना है। 1/4 कप हमने ऑयल ले लिया है। इसमें 1 बड़ी प्याज को हमने ग्राइंड करके वो डाल देना है, इसको हल्का सा कच्चा पक्का कर लेना है। उसके बाद हम दही लेंगे तकरीबन 1/2 कप, उसमें अपने मसाले डाल के, वो हमने मैं मिक्स करके अभी बताती हूँ आपको, वो हमने डालने हैं इसमें। लेकिन प्याज को पहले थोड़ा सा कच्चा पक्का कर लेना है। प्याज कच्ची पक्की हो गई है, दही शामिल करेंगे इसमें। दही में हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है जैसे मैंने मछली में भी डाली है, 1/2 टीस्पून धनिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी है, ये 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी है वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको भून लेंगे। इसको इतनी देर भूनना है जब तक ये पानी खुश्क हो जाए, और भूनने की खुशबू बहुत अच्छी सी आने लगती है इसमें, क्योंकि मेथी डाली है, मेथी की वैसे ही खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसमें मेथी थोड़ी सी ज़्यादा नॉर्मल उससे डलती है, तो हमने 2 टेबल स्पून इसमें हमने कसूरी मेथी के डाले हैं। मसाला भून चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मछली पर जो हमने मसाला लगा के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। मछली का मैं बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मछली के सर का जो पीस होता है इसको फेंकवा देते हैं, जबकि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको इसका सालन इस तरह तैयार कर ले तो बहुत बेहतरीन रहता है। ये मछली तो होती ही फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके सर का पीस जो है ख़ास तौर पे बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो सालन एक ऑलरेडी मैं एक पहले भी बता चुकी हूँ बनाने का तरीका, तो ये सर के सालन का बनाएं, सर बहुत बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है, बड़ों के लिए भी। ये बस डाल के हमने इसको चम्मच नहीं चलाना है, इसको हमने बस इसको हिला के, जैसे कोफ्तों का हम बनाते हैं सालन के हम उसमें चम्मच नहीं चलाते, इसी तरह इसको भी हम चम्मच नहीं चलाएंगे और इसी तरह तैयार करेंगे हिला के। इसको अगर हमने मिक्स करना होगा तो पतीली पकड़ के हिलाई जाएगी। इसको मिक्स करने के लिए इस तरह कढ़ाई को या पतीली जो भी आप पका रहे हैं इस तरह इसको हिला हिला के मिक्स किया जाता है। मसाला अच्छे सा भुन गया है, मछली भी इसमें पक के तैयार हो चुकी है, मछली बहुत जल्दी गल जाती है। इसमें हमने अब 1/4 टीस्पून गरम मसाला इसमें भी ऊपर भी डाल देना है, और 1 से 1 मिनट के लिए बस दम पे रखना है। सालन बिल्कुल रेडी है। मछली के लिए ये सालन थोड़ा सा खट्टा सा बनता है, तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें पानी डाल के इसको शोरबे वाला भी बना सकती हैं सालन को, लेकिन हम रोटी के साथ यूज़ कर इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए मैंने पानी बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं किया है। दही ने अपना ही पानी जो छोड़ा है उसी से हमने वो कर लिया है। बस इसको दम पे 1 से 2 मिनट रखना है और ये बिल्कुल रेडी है सालन।
जी मछली का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।